मैकबुक प्लस टैबलेट, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसका क्या डोज होता है, कितना दिन लेना चाहिए, किस तरह की समस्या में दिया जाता है, कैसे इसका आपको हेल्प यानी बेनिफिट मिलता है और क्या साइड इफेक्ट देखने को आता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो तब तक बने रहे। पहले हम जाते हैं मैकबुक प्लस कैप्सूल के बारे में। तो इसे हीलिंग फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 10 कैप्सूल का कॉस्ट 180 रुपया है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वह मिथाइल कोबालामाइन, अल्फा लिपोइक एसिड है, फोलिक एसिड है और थायरोडोक्सिन यानी विटामिन B12 इसके अंदर है और इसके अंदर B6 भी है। तो अब बात करते हैं कि इसे जब आप लेते हैं तो कैसे आपको हेल्प करता है और किस तरह की समस्या में दिया जाता है। तो जब आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जब यानी आपके अंदर खून की कमी रहती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी रहती है, और जैसे कि आपको डायबिटिक हुआ है यानी आप डायबिटिक पेशेंट है जिसमें आपको नसों से रिलेटेड समस्या रहती है, यानी नसों में आपको झंझनाहट सी महसूस होती है, दर्द होते रहता है, आपके नर्व फाइबर डैमेज हो चुके रहते हैं, तब इसे दिया जाता है। और जैसे कि आपके रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और आपके नर्व फाइबर को ये अच्छे से बने रहते हैं, उसे रेजुनेट करने में हेल्प करता है, यानी ओवरऑल ये आपकी काफ़ी अच्छे से मदद करता है जब आप इसे लेना स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो डोज रहता है वह ओडी डोज रहता है, यानी वंस डेली डोज रहता है और इसे लगभग 5 से 6 महीने तक लगातार दिया जाता है अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं जिसमें आपको ज़्यादा समस्या रहती है तब, या जैसे कि अगर आपको जैसे कि नसों से रिलेटेड समस्या जिसमें आपका नर्व डैमेज हुआ है, जैसे कि किसी मार या घाव वजह से या कहीं आपका दब जाने की वजह से जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, तो उसमें इस पर लगभग 15 दिन तक दिया जाता है। और जैसे कि आपको जैसे ब्लड की कमी रहती है, सप्लीमेंट की कमी रहती है, तो उसमें लगभग 1.5 से 2 महीने तक दिया जाता है। तो इसका जो डोज है एडल्ट के लिए वंस डेली डोज है, और जैसे आप इसे ले रहे हैं तो खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। तो जहाँ तक आप खाना खाने के आधा एक घंटा बाद लें ताकि आपको उल्टी नहीं आए, जी नहीं मचलाए। और जैसे आप इसे ले रहे हैं 10 मिनट के बाद अगर आपको उल्टी आ जाए तो सिंगल डोज रिपीट करें, अगर आप कोई डोज मिस कर जाए तो सिंगल डोज ही फॉलो करें। अगर आप इसे ले रहे तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाए गए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है और आपको उल्टी आ सकती है, जी में चला सकता है, दांत के साइड में थोड़ा कालापन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार जिसके वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं इसे अपडेटेड रखूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डायरेक्ट वीडियो में जब पूछ सकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।